महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही यहां कोरोना विस्फोट हो गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही कोरोना विस्फोट हो गया है। सत्र के आगाज से पहले 8 पुलिसकर्मी और 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायक, विधानसभा स्टाफ, पुलिस और पत्रकारों को मिलाकर 3500 लोगों की टेस्टिंग की गई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 3500 लोग उपस्थित होंगे, उसमें विधायक और यहाँ के जो विधानसभा के कर्मचारी हैं और इसके साथ ही पत्रकार, पुलिस और जितने भी पूरे यहाँ पर सत्र को लेकर कर्मचारी मौजूद रहने वाले। 3500 लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 मंत्रालय के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में 25 दिसंबर और नए साल की पार्टी इवेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आदेश के मुताबिक होटल रेस्टोरेंट में 50% लोग, धार्मिक स्थल शादी समारोह में 25% और इवेंट में 200 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करने पर पुलिस परमिशन अनिवार्य है। साथ ही अब से मुंबई में बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि ओमिक्रॉन कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला संक्रामक वायरस है। अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड इलनेस ही कर रहा है। डेटा यूके से है, डेनमार्क से है और साउथ अफ्रीका से है। सीवियर इलनेस अभी इतनी नहीं देखी जा रही और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर, बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। पर अभी हमें और डेटा चाहिए। जैसे जैसे और केसेस बढ़ेंगे, डेटाबेस बढ़ेगा, तो क्लैरिटी आएगी कि और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएँ, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर एनवायरनमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहां पे वायरस एकदम फैल सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।